Assalamualaikum. Fifth semester. Today we will be doing functions of supervision. Uh, there are many functions of supervision. Um, if we look at our own institution, we see the, the administrative function: the uh, promotion and the maintenance of the good standards of work, coordination of practice with the policies of administration. Uh, administration the assurance of an efficient and smooth running office. So you have to see that it's a function. It's a function of a supervisor. के वो देखे कि सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो आय आए, आइडर जो है वो स्मूथली जा, जा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है ठीक है एफिशिएंटली जा रहा है क्या वो उन गोल को मीट कर सकेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है उनका फंक्शन है दूसरा एजुकेशनल एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल वर्क ऑन ऑन द स्टाफ इन अ मैनर टू कैलकुलेट टू इवोक दैम फुली टू मेक दैम रियलाइज़ दे यूजफुलनेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूजफुलनेस सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर के बींग सुपरवाइजर आपके इंस्टीट्यूशन में जो भी बंदा काम कर रहा है यू हैव टू मेक यू हैव टू मेक द पॉसिबिलिटीज़ कि उनकी प्रोफेशनल uh, ग्रोथ हो एंड यू हैव टू कैलकुलेट ताकि अगर वो uh, उनके अंदर जज्बा होगा काम करने का वो प्रवोक होंगे तो उसी तरह से वो उस तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग दैन इज दिस इज एन अदर फंक्शन के आपने मेंटेन करना होता है आपके जो वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उनमें हार्मनी हो और कॉपरेशन हो तो ये सब चीज़ें बींग सुपरवाइजर इट्स ड्यूटी ऑफ अ सुपरवाइजर कि वो इन सब चीज़ों को देखें वो सपोर्टिव हों ताकि वो एक हार्मनी जो वर्किंग एरिया में है वो उसको मैंटेन कर सकें ठीक हो गया देन एज द मेजर फंक्शन में कॉर्डीशन ऑफ एफर्ट है आपने देखना होता है कि सारी एफर्ड हैुड भी कॉर्डिनेट इन किसी पर ज़्यादा किसी पर कम नहीं है इक्वल बैलेंस हो ठीक हो गया और यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट वंस यू बिल्ड अ ट्रस्ट अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे अपने वर्कर्स का तो तभी चीजें स्मूथली चल सकेंगी सो ही शुड बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अमंग हिज सबऑर्डिनेट सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रन